श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आई अरदनहल्ली देवेगौड़ कुमारस्वामी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली and conscientiously discharged my duties as a minister for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with ही बन रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश लोगों से मिलते हुए The forecourt of Rashtrapati Bhavan has borne witness to the triumphs and trials of the Indian nation and as we witness yet another chapter In its storied history, let us remember the values of unity, diversity, and democracy that unite us as a nation. Here at the heart of India's democratic machinery, the parliamentary system of governance is in full swing. With its roots deeply embedded in the constitution, and this system has been the cornerstone of India's governance since independence. Eminent leaders who have taken this Smriti Irani sharing a laugh वहां पर अर्जुन मुंडा भी नजर आए और जनरल वी के सिंह भी थे चिराग पासवान जो बिहार के हाजीपुर से चुनकर आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके पिता रामविलास पासवान भारत की कई सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्रालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। कुछ समय पहले निरहुआ भी हमें स्क्रीन पर नजर आए जैसा कि हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं तीसरी बार लगातार शपथ लेंगे ये निरहुआ जिनका भी जिक्र कर रहे थे आनंद और साथ में संजीव मनोज तिवारी भी मनोज तिवारी हैं जी दिल्ली से जीते हैं सांसद तो ये बात अपने आप में इसको समझना इसकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहिए लगातार तीसरी बार इसके पीछे जो प्रयास है इसके पीछे जो लगातार कार्य किया गया है ये उसका परिणाम है ये एक बार में और यूं ही नहीं होता इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है कुछ नए तरीके से सोचना पड़ता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ये वो आदर्श वाक्य जिसने सबको जोड़ा है और इस समय पर्दे पर पवन कल्याण जिनके लिए प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि ये हवा का झोंका नहीं बल्कि तूफान है जी हां दक्षिण भारत में राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा पवन कल्याण और यहां पर जो भी लोग आए हैं इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने उनके मन में उत्साह है क्योंकि वो नए भारत के नव निर्माण के जो शिल्पी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उस भारत का हिस्सा हैं जो उम्मीदों का भारत है जो संभावनाओं को संभव करने का भारत है ये मंच का वो हिस्सा है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे लोग वो बैठे हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बैजन पांडा भी उनके साथ ओम बिरला
लोकसभा के पूर्व स्पीकर, उनका आगमन होता हुआ चेहरे पर मुस्कान और इस भव्य समारोह का कौन साक्षी नहीं बनना चाहता प्रिय दर्शनी? आनंद, आई एम ऑलवेज इंट्रीग्ड बाय व्हाट फर्स्ट टाइम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मस्ट फील एज दे कैरी अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स एज काउंटलेस पीपल हैव प्लेस्ड देयर होप्स एंड ट्रस्ट इन देम. These new MPs are expected to deliver on their promises and effectively represent their constituents' interests. The weight of these expectations is significant as they must navigate the complexities of parliamentary procedures. Shri Om Birla aur saath mein unki patni Dr. Amita Birla. So I was talking about parliamentary procedures which they must follow while staying true to the needs and aspirations of the people who elected them. मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइसू का आगमन भारत का एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी. Our ties with Maldives are deep rooted based on exchanges and interactions for centuries. India's neighborhood first policy has deepened our bilateral ties for the common benefit of two countries and their region at large. भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान कर मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमेशा से सहायता प्रदान करता रहा है. एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेवरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है. इन तस्वीरों में एक बात ये भी याद रखने की है कि ये भारत के पड़ोसी हैं और ये भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं. आज का नया भारत. और अब आगमन होता हुआ श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे. श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे. श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे का आगमन आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर. हमारे विदेशी मेहमान एक एक करके यहां पधार चुके हैं. आगमन हो रहा है श्रीलंका के राष्ट्रपति का. द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज मोर देन 2500 years old. Both countries have a legacy of intellectual, cultural, religious, and linguistic interaction. In recent years, the relationship has been marked by close contacts at all levels. Trade and investment have grown, and there is cooperation in the fields of development, education, culture, and defense. America aur Britain ke baad Bharat Sri Lanka ka teesra sabse bada निर्यात गंतव्य है और श्रीलंका में भारत एक प्रमुख निवेशक भी है. एशिया का यह क्षेत्र और जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के नेता भी हमारे पड़ोसी देश. सबसे बात जो महत्वपूर्ण और याद रखने की है वो ये कि अब तक दुनिया में इस बात की चर्चा हमेशा होती आई है. संभावनाओं की दृष्टि से दुनिया का यह हिस्सा अब अपनी पहचान और अपनी शक्ति की एक बहुत बड़ी कहानी लिखने जा रहा है. धीरे धीरे दुनिया ने माना है और इस समय बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद जैसा कि हम सब जानते हैं भाजपा ने दिल्ली की सभी सीटें जीती. ये भी भाजपा के नेता प्रवीण खंडेलवाल बांसुरी स्वराज के साथ. प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑलवेज बीन कॉल्ड अ मैन ऑफ एक्शन. ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड Modi 3.0. There is a game plan, a roadmap for the future,
With strategic planning and concerted efforts, the first 100 days promise to lay a robust effort towards development, which is inclusive and prosperity. The main areas include manufacturing, defense, 100% saturation, which means accelerating the implementation of flagship social welfare schemes such as the PM Awas Yojana and Har Ghar Jal, among many of the other 100% saturation schemes. Of course, there will be more focus on infrastructure, renewables, agriculture, semiconductors, finance and economy. Shri Narendra Modi is set to take oath in just a short while from now for a third consecutive time after the BJP-led National Democratic Alliance, NDA, won a majority. This event holds a ceremonial dimension, also an emotional dimension and, of course, a national dimension. These factors combine to create the visuals which are presented to you by Doordarshan. राजनाथ सिंह के पीछे ललन सिंह नजर आ रहे थे, सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, किरण रिजिजू, श्रीपद यशो नाइक और ठीक पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से चुनकर आए हैं उन्हें भी संभवतः मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। वीरेंद्र खटीक भी नजर आ रहे हैं, मनसुख मांडविया, अमित शाह और राजनाथ सिंह, दो दिग्गज राजनीतिज्ञ जिन्होंने बीते 10 वर्षों में कहें राजनाथ सिंह के नजरिए से मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत भी हमें नजर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो क्षेत्र है संजीव जहां पर अटकलें हैं कि जो इन कुर्सियों पर विराजमान हैं वो भावी मंत्री परिषद के सदस्य हैं। नहीं, अब इसमें अटकल तो कोई नहीं है, ये तो वही चेहरे हैं जो अब कुछ ही देर में, सबसे पहले हम सब जानते हैं जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की, और उसके बाद मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर उसके बाद राज्य मंत्री। तो यही क्रम रहेगा। अब ये वो चेहरे हैं और देश के सामने हैं अब ये चेहरे। ये नए भारत की नई तस्वीर है, ये आज का नया भारत है, नई सोच के साथ डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और अतुल्य विजन और इम्प्लीमेंटेशन और ऐसे अधोसंरचना के ऐसे प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वसुधैव कुटुम्बकम के ध्येय वाक्य के साथ G20 के भव्य और अर्थपूर्ण आयोजन से भारत की नेतृत्व क्षमता विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित भी हुई है। हर मुश्किल में अन्य देशों के मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत आज विश्व बंधु के रूप में पहचान बना रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर भी हमें नजर आए, इस बीच पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और लोगों का उत्साह ये संजीव बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज जश्न का माहौल है। बिल्कुल है, और इंतजार भी है, उत्सुकता भी है, और जैसा अभी आप सबने बताया ही कि बहुत देर नहीं है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का आगमन होगा और फिर ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, शपथ ग्रहण समारोह। और एक और बात, पर्दे पर बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो कई बार जो आप बात कर रहे हैं धारा प्रवाह उसमें उनका जिक्र करना उस वक्त संभव नहीं हो पाता, लेकिन पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, दूरदर्शन के माध्यम से ये प्रसारण उन तक पहुंच रहा है। और इतने बड़े स्तर पर ये ऐसा शपथ ग्रहण समारोह सचमुच इतिहास में दर्ज होता हुआ इससे पहले तो कभी नहीं देखा किसी ने। The air is thick with anticipation and excitement, spiritual gurus, Smriti Irani here on the screen, and everybody just waiting for the Prime Minister to arrive. The oath taking itself is a solemn moment, underscored by the collective hope and aspirations of over a billion people.
Each face in the crowd, no matter the age, color, caste or creed, reflects a shared pride and optimism for the future. केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर अश्विनी चौबे भी हमें नजर आए और इस बीच ये वो हिस्सा है जो अध्यात्म धर्म और संस्कारों का भारत में संचार करता है. वसुंधरा राजे सिंधिया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी. ठीक कह रहे संजीव, तमाम विभूतियां हैं और उन सब विभूतियों ने भारतीय राजनीति में अमूल्य योगदान दिया है. बिल्कुल. और एक बात और, जो अभी जैसे ही, इसमें अब कोई अटकल नहीं है, कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है. आप देखिएगा, जैसे ही प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, उस वक्त जोश का क्या आलम होगा यहां पर. रघुबर दास भी हमें नजर आ रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री. This ceremony not only marks the beginning of a new political chapter, but also reinforces the enduring unity of the Indian people. It is a vivid reminder that in this diverse nation. Prasar Bharati Chairman Navneet Sehgal aur filmi jagat ki abhinetri Raveena Tandon bhi hame unke saath nazar aayi. Ek cheez aur, ye drishya is samay suraj ki dhalti roshni mein aur bhi khoobsurat banate hue is puri chhata ko, aur yahan par ye bata dena bada जरूरी होगा कि धीरे धीरे आप देखिएगा, सूरज अगर घड़ी के हिसाब से देखें तो पूरी तरह से ढल जाएगा लगभग 4-5 मिनट में, लेकिन ये छटा और खूबसूरत होती जाएगी और निखरता जाएगा ये पूरा दृश्य. जी हां, क्योंकि ये उभरता हुआ भारत है, ये विकसित भारत है, ये वो भारत है जिसमें संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती. It is also a vivid reminder that in this diverse nation, the strength lies in its people coming together as one. Much like a bouquet composed of varied, beautiful flowers, each adding to the overall splendor. लोकतंत्र की अगर बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं. और ये लोकतंत्र का जश्न है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस ढंग से 7 चरणों में चुनाव हुए और उन चुनावों में जिस ढंग से देशवासियों ने दिलचस्पी जताई, दिखाई, और प्रचंड गर्मी के बीच भी संजीव जिस ढंग से लोगों के बीच उत्साह था अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का, वो अद्भुत था. बिल्कुल. और एक महत्वपूर्ण बात वो ये भी हमें हमेशा याद रखनी पड़ती है, वो ये कि जो संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो सत्ता की शक्ति है वो जनता में निहित होती है. तो जनता इसीलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है. आज उन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार बनने जा रही है भारत की, और आगमन हो रहा है राष्ट्रपति भवन में देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का. उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अग्रसर होता हुआ. लोकतांत्रिक प्रणाली की बात कर रहे थे संजीव, और लोकतंत्र जो है वो विरासत, समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व पर जोर देती है. और यहां पर सबकी नजरें इस ओर टिकी हैं, इस ऐतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतिथियों का आगमन लगातार जारी. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत, और सबसे बड़े लोकतंत्र के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में. उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद
तीसरी बार चुनकर आए हैं। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, एक बार फिर नई उम्मीद के साथ। शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करिए। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। द मैन ऑफ द मोमेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी हु विल मेक हिस्ट्री इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ एज ही रिटर्न्स ग्रीटिंग्स ऑफ हिज कॉलीग्स ऑफ द कैबिनेट एंड पीपल हु हैव कम हियर इन देयर थाउजेंड्स टू अटेंड दिस स्पेशल मोमेंट। और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। कुछ ही देर में वे यहाँ आएंगी और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक, उत्साह, उमंग, आशा की वो किरण जिसपे 140 करोड़ देशवासियों की आशाएं, उम्मीद टिकी है। नए भारत का सृजन करने वाले, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमचमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। जोरदार तरीके से अभिवादन हो रहा है यहाँ नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का। एक अजब जोश, उमंग, उत्साह, 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन, देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का। सबका अभिवादन स्वीकारते हुए और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत करीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति के सचिव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए श्री राजेश वर्मा, कुछ ही समय में हमारे बीच राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन होगा। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हुए सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की ओर। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में, आंखों में चमक, उत्साह और सभी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। आपके चेहरे का तेज आपकी आंतरिक शक्ति का भी द्योतक होता है। इन बातों को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि हम देख भी सकते हैं। आज देश के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षण, जब नई सरकार का गठन हो रहा है और कुछ ही देर में यहाँ शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, तो तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लगातार इस समय
चर्चा उनकी राजनाथ सिंह जी के साथ। एक लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद ये वो क्षण जो विजयी होने का सुख भी देते हैं, आनंद भी, और साथ ही साथ कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। जनप्रतिनिधियों का जीवन ऐसा ही होता है और यही हमारी संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके बाद उनसे अपेक्षा रखती है कि वो उनके सपनों को साकार करें। और उन्हीं सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जसलीन बता रही थी कि रोड मैप, जिसका पूरा विस्तार से जिक्र हुआ, दिनों का ही नहीं, महीनों का ही नहीं, बल्कि कुछ वर्षों का रोड मैप मोदी जी ने तैयार कर रखा है। लोगों की अपेक्षाएं उम्मीदें बढ़ती हुई और सबकी निगाहें इस समय राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों की ओर। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का शुभागमन हो रहा है। ब्यूगलर्स के इस फैनफेयर ध्वनि के साथ उनका शुभागमन होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मंडराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा।
मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री जगत प्रकाश नड्डा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण। I, Nirmala Sitaraman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will finish faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitaraman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री मनोहर लाल। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री एच डी कुमार स्वामी। आई अरदनहळ्ळि देवेगौड कुमार स्वामी do swear in the name of God that I will bear true faith
and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradhanarali Devegoda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री पीयूष गोयल, मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान, मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि
जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जीतन राम मांझी, मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजीव रंजन सिंह, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री सर्वानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Dr. Virendra Kumar. मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री किंजरप्पू राममोहन नायडू। I, किंजरप्पू राममोहन नायडू, डू स्वेर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu,
do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री प्रहलाद जोशी, आई प्रहलाद वेंकटेश जोशी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the union and I will do right to all manner of the people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I Prahlad Venkatesh Joshi do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for union except may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री जुएल उराम, मैं जुएल उराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूंगा।
श्री गिरिराज सिंह। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भूपेंद्र यादव, मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नित श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मैं
अन्नपूर्णा देवी, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री किरेन रिजिजू, मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री हरदीप सिंह पुरी, I हरदीप सिंह पुरी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
डॉक्टर मनसुख मांडविया। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री चिराग पासवान। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सी आर पाटिल। मैं सी आर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सी आर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह। I इंद्रजीत सिंह डू swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union. And that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations.
डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब के ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल, मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव, मैं प्रताप राव गणपत राव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रताप राव गणपत राव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जयंत चौधरी, I Jayant Chaudhary do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favour, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री श्रीपद येशो नाइक। मैं श्रीपाद येशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद येशो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री कृष्ण पाल। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
जाए। श्री रामदास अठावले, मैं रामदास अठावले सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामदास अठावले सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय अब की ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रामनाथ ठाकुर, मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामनाथ ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नित्यानंद राय, मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय
या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नित्यानंद राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती अनुप्रिया पटेल, मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया पटेल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री वी सोमन्ना, I वी सोमन्ना do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithful and consistently discharge my duty as a Minister of State for the Union and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection in our ill will. Aye.
I, V. Somanna, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any manner which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी आई डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर डू सोलेमली अफर्म दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Professor S.P. Singh Baghel. मैं प्रोफेसर S.P. Singh Baghel ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर S.P. Singh Baghel ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सुश्री शोभा करंदलाजे मैं
मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता का अक्षण रखूंगी। मैं संघ का राज्य का मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री कीर्ति वर्धन सिंह। मैं कीर्ति वर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं वेद द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कीर्ति वर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बी एल वर्मा। मैं बी एल वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बी एल वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बधाई हो। श्री शांतनु ठाकुर, I Shri Shantanu Thakur do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I Shantanu Thakur do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. श्री सुरेश गोपी, I सुरेश गोपी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I Suresh Gopi do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. Dr. L. Murugan, I Dr. L. Murugan do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people
in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री अजय टमटा, मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टमटा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बंदी संजय कुमार, मैं बंदी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कमलेश पासवान, मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा।
मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अशुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भागीरथ चौधरी, मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सतीश चंद्र दुबे, मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
today. Congratulations. श्री संजय सेठ, मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री रवनीत सिंह, आई रवनीत सिंह बिट्टू डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड Alliance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and discharge my duties as a minister of conscientiously discharge my duties as a minister of state for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the Union, expect as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. श्री दुर्गादास उइके, मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तप के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हों, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री सुकांत मजूमदार, I सुकांत मजूमदार डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अफोर्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of state for the union and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor affection or ill will I Sukant Mojumdar do swear in the name of god that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. श्रीमती सावित्री ठाकुर, मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुरूप देश या बिना प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का समीप निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा आप प्रत्येक रूप से समुचित या प्रकट करूंगी। श्री तोखन साहू, मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री राजभूषण चौधरी, मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, मैं भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तदा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हर्ष मल्होत्रा, मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई भामड़िया। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री मुरलीधर मोहोल। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जॉर्ज कुरियन। I जॉर्ज कुरियन do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law.
without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. श्री पवित्र मार्गेरिटा I पवित्र मार्गेरिटा डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियंशियसली डिस्चार्ज माय ड्यूटीज as a minister of state for the union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय गान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार मिल गई है। आज की रात लोकतंत्र का
नया सूरज आएगा इसका संदेश लेकर आई है और अब उम्मीदों और उम्मीदों को पूरा करने के प्रयास ये देश और इस देश का प्रत्येक नागरिक देखेगा। नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ और उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगी इस समय ग्रुप फोटो के लिए। An important part of the oath-taking ceremony is the photo op with the President and the Prime Minister and the Vice President. The newly elected Council of Ministers is a prudent mix of youth and experience. आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद नया भारत नई आशा नई आकांक्षा और उम्मीदों के साथ नई पारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। असल में ये अंत नहीं शुरुआत है, भविष्य के लक्ष्यों